नमस्कार। ये जो मेरे पीछे आप काला कपड़ा देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है और वो है मशरूम की खेती। तो मशरूम सर्दियों में उगाए जाते हैं। इसकी शुरुआत मैंने अभी महीना भर पहले की थी और अब जिस स्टेट में मैं आपको दिखाती हूँ उसका पूरा प्रोसीजर बताती हूँ और हर सर्दी में आप मशरूम उगा सकते हैं। देखिए कैसे मशरूम उगाना है, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू मानपा। जो मैंने मशरूम उगाए हैं ये हैं ऑयस्टर मशरूम या इसे ठींगरी मशरूम भी कहते हैं। इस मशरूम को उगाने के लिए हमें मशरूम के बीज की जरूरत होती है और ये थोड़ा मुश्किल मिलता है, तो आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कहाँ से बीज मिलता है। मुझे मेरी एक साइंटिस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया था ये बीज, उससे मैंने ये उगाया। तो देखिए किस तरीके से पूरा प्रोसीजर शेयर करती हूँ, कैसे कैसे मैंने इसको उगाया और आज इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये है मशरूम का बीज या जिसे हम स्पॉन कहते हैं। ये लेबोरेटरीज में डेवलप किया जाता है बिल्कुल ऐसे एयर टाइट कंडीशंस में, और ये बेसिकली किसी भी अनाज के दाने, चाहे वो गेहूं का हो बाजरे का हो, उस पे ये फंगी डेवलप की जाती है और यही आगे चलकर मशरूम में कन्वर्ट होता है, या इसे हम मशरूम का बीज कह सकते हैं। जो भी गाय का चारा होता है, भूसा जिसे हम कहते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है बजाय मिट्टी के। मशरूम इस भूसे में उगता है, लेकिन इस भूसे में कई कीटाणु हो सकते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फंगस हो सकता है, उसे पहले ट्रीट करना पड़ता है। इसमें हमें पानी में बेवेस्टीन और फॉर्मेलिन डाल के अच्छे से इसको डिसइंफेक्ट करना होता है। पूरे 12 घंटे के लिए ओवरनाइट हमें इसे भिगोना है। अगले दिन इसे 2 बार साफ पानी से धोना है ताकि वो सभी सब्सटेंसेस इसमें से वॉश आउट हो जाए। अब इसमें हम ये जो स्पॉन है इसे बिखेर करके इस तरीके से मिक्स करते हैं। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसके इन टुकड़ों को ऐसे रैंडमली इसमें मिक्स कर दें और इसे प्लास्टिक बैग में भर दें, और दूसरा तरीका होता है कि हम प्लास्टिक बैग में लेयरिंग करें। एक लेयर भूसे की डाली, अब ये लेयर स्पॉन की डाली, फिर एक लेयर भूसे की डाली, फिर एक लेयर स्पॉन की डाली, और इस तरीके से हम एक एक बैग भर सकते हैं। तो हम चाहें तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं। इस तरीके से जब बैग्स को हम भर लेंगे उसके बाद इसे ऊपर से टाइटली बंद कर देते हैं। वो जो एक स्पॉन का पैकेट था उसमें से करीब ये 7-8 पैकेट बन जाते हैं। अब हमें उसमें छेद करना है और स्क्रू ड्राइवर से अगर छेद करेंगे तो पहले इसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इस बैग में हमें थोड़े थोड़े छेद कर लेने हैं ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे। ये हवा जाना इसीलिए ज़रूरी है कि कहीं ज़्यादा डैम्पनेस की वजह से अंदर का जो भूसा है वो हमारे स्पॉन को गला ना दे। और नीचे देख रहे हैं आप, ये छोटा सा छेद किया है ताकि अगर कोई एक्सेस वाटर रह गया भूसे में तो वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद हमें 10-15 दिन इसे किसी अंधेरी जगह पर रख देना है। नीचे मैंने अखबार रखा है ताकि एक्सेस वाटर उस पर ड्रेन आउट हो जाए। अब 10-15 दिन हवादार जगह लेकिन अंधेरी जगह पर ये पड़ा है। कुछ दिन बाद हमें दिखेगा इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद कुछ डेवलप हो गया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वक्त है 15 दिन बाद हमें इस थैली को खोलना है, इसे फाड़ना है और अब इसमें से जादू की पुड़िया निकलेगी, यानी कि प्लास्टिक बैग अलग हो जाएगा और ये जो भूसा था ये सारा बंद करके एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लूज भूसा नहीं रहा, ये पूरा एक कॉम्पैक्ट बॉल बन चुका है। वो जो हमने फंगी डाला था उसने सारे भूसे को बांध दिया। अब हमें इसे टांगना जरूरी है। अब टांगना क्यों है इसका राज आपको बाद में पता चलेगा, पहले देखिए टांगना कैसे है। एक नॉर्मल सूतली से मैंने इस तरीके से डबल धागा लिया है, बीच में नॉट बांध दूंगी और अब इसे लटकाने की तैयारी करते हैं। अब जब ये लटकने को तैयार हो रहा है तो अगली चीज़ है हमें इसे लटकाना कहाँ है। किसी भी ऐसी जगह जहाँ आपके घर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर लेवल हो वहाँ पर इसे लटका दीजिए।
मैंने ये कोना ढूंढा है क्योंकि इसके आसपास मनी प्लांट है, पान का पौधा है, फर्न है और इस जगह बिल्कुल धूप नहीं आती, ना हवा आती है। ज़रूरत है इसे हमेशा मॉइस्ट रखने की। हमेशा गीला रहेगा तो मशरूम बहुत जल्दी उगेंगे, ड्राई रहेगा, गर्म हवाएं लगेंगी तो मशरूम सूख जाएंगे और निकलना बंद हो जाएंगे। इधर से इसको मनी प्लांट की ठंडक मिलती है, इधर से फर्न, पान, पान की मॉस स्टिक, सब तरफ से एक मॉइस्चर है। और कुछ दिन बाद, 3 हफ्ते बाद देखिए इसकी शक्ल ऐसी निकल आई, बिल्कुल सफ़ेद, खूबसूरत, और इसके नीचे का हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत, बिल्कुल मुलायम मशरूम रबर की तरह। और करीब 1 महीने बाद ये रहा खुलजा सिमसिम, हमारे ऑयस्टर मशरूम्स रेडी टू हार्वेस्ट। इसमें आप देख रहे हैं एक साइड ज्यादा ग्रोथ है, एक बॉल में कम ग्रोथ है, लेकिन होता है, फर्क वही बीज था, वही जगह थी, लेकिन कुछ वजह होगी। अब राज खुलता है कि हमने इसे लटकाया क्यों था। देखिए नीचे भी उतने ही मशरूम उगे हैं जितने ऊपर उगे हैं, इसीलिए इसे लटकाना जरूरी है। अगर हमें इसे कहीं रख दिया होता तो नीचे की तरफ के बीजों से मशरूम नहीं निकल पाते। चलिए अब इसे थोड़ा हार्वेस्ट कर लेते हैं। सिंपली इसको रोटेट कीजिए और ये पूरा का पूरा गुच्छा हाथ में आ जाता है। इतना खूबसूरत ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम, अलग अलग रेसिपीज में इसे यूज कीजिए। चलिए अब जरा इसे निकालते हैं। जो बड़े बड़े हैं उसे निकालेंगे, जो छोटे हैं उसे रहने देंगे बड़ा होने के लिए। जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वहाँ ये बहुत लंबे समय तक उगते रहते हैं। ये जो दूसरे बॉल में छोटे दिख रहे हैं, ये एक बड़ा है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि ये सब जुड़े होते हैं, एक को हिलाएंगे तो ये सारे एक साथ निकल आएंगे। इसीलिए इसी बॉल में से बड़े बड़े मशरूम्स को ढूंढ के निकाल लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये रही मशरूम की पहली हार्वेस्ट, और अगली हार्वेस्ट इसके बाद फिर 15 दिन में हम ले सकते हैं। एक सीजन में ऐसे 3-4 बार हमें इतने मशरूम मिल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इजी है बहुत ग्रो करना, जहां जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां और भी आसान है, हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है। कितना अच्छा साइज होता है, इतने महंगे होते हैं, इतनी आसानी से उगते हैं, तो क्यों ना घर में उगाए जाए। तो जरूर इसका सर्च कीजिए कहाँ से बीज मिलता है और फिर इसे उगाइए। अच्छे से हो गए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। इतनी अच्छी चीज आसानी से उगाने का सबसे आसान तरीका, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। नमस्कार।